आखिर कब हुआ था रोबोट का आविष्कार, क्या होती है रोबोटिक्स और रोबोट 3.0 में क्या दिखाया जाएगा मानव रोबोट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोबोट पे बनने वाली फिल्में कैसे बनी और कहां से आया ये शब्द रोबोट, तो आज हम जानने वाले हैं रोबोट के बारे में। आपको बता दें कि रोबोट एक खोज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना ये यंत्र मानव की उपयोगिता, मनुष्य की पहुंच से बाहर, कठिनाई वाले खतरनाक एवं घातक क्षेत्रों में अतुलनीय है। आज रोबोट का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन्हीं कई तरह के कार्यों में इसकी प्रभावीपन को देखते हुए आविष्कृत रोबोट निर्माण की नवीनतम तकनीक को रोबोटिक्स नाम दिया गया है। आज विश्व के अनेक विकसित व विकासशाली देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जापान और कोरिया आदि रोबोटिक्स पर काफी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। ये आविष्कृत रोबोटिक्स कई कार्यों को सफलतापूर्वक तरीके से कर सकते हैं, जैसे घरेलू कार्य, सुरक्षा कार्य, खेल सिखाना व साथ बैठ के खेलना, ट्रकों में सामान चढ़ाना उतारना, ग्राहकों की सेवा उपलब्ध कराने वाले कार्य, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में कार्य, मशीनी उत्पादों के निर्माण कार्य, मशीनों में पुर्जे लगाने व निकालने का कार्य और भी कई सारे ऐसे तकनीकी कार्य करने में ये काफी सफल है। विश्व का पहला रोबोट ईयर 1923 में अमेरिका की स्पेरी जायरोस्कोप कंपनी द्वारा निर्मित किया गया। उस रोबोट का नाम जॉर्ज था। जब ईयर 1939 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ तो काफी अच्छे तरीके से रोबोट इलेक्ट्रो का प्रदर्शन भी लगाया गया था। ये रोबोट मोटरों की सहायता से चल भी सकता था। उसके बाद अमेरिका की एक कंपनी ने ईयर 1962 में एक औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया। ईयर 1980 तक ऐसे रोबोटों का निर्माण हो चुका था जो कारखानों में मनुष्य की भांति वेल्डिंग करने, नट बोल्ट खोलने तथा किसने आदि जैसे कार्य करने लगे। आधुनिक विज्ञान तकनीक द्वारा अब माइक्रो प्रोसेस तकनीक का प्रयोग करके हूबहू मनुष्य जैसे स्वरूप वाले रोबोट का आविष्कार किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये रोबोट मनुष्य की भांति ही कार्य करते हैं। इसके शरीर में मांस व हड्डियों के स्थान पर लोहा एवं प्लास्टिक का प्रयोग किया गया। रोबोट माइक्रोप्रोसेसर की सहायता से बोलते, कैमरा की मदद से देखते तथा यंत्रों के सहयोग से स्पर्श करता है। रोबोट को संचालित करने वाले कंप्यूटर रोबोट के भीतर या बाहर रखे जा सकते हैं। आज वैज्ञानिक ऐसा रोबोट ईजाद करने में लगे हैं जिसमें नकली बुद्धि का विकास किया जा सके। ऐसा रोबोट बिना थके अनिश्चित समय तक एक ही कार्य करता रह सकता है। और तो और आपको बता दें कि ज्यादा काम करने से भी इसकी कार्य क्षमता बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। रोबोट को माइक्रो कंप्यूटर में कार्य करने का क्रम एवं उसकी गतिविधियों का प्रोग्राम रहता है। उन्हीं प्रोग्राम के अनुसार रोबोट काम करते हैं। अमेरिका द्वारा विकसित एक्सप्लोरर, पाथफाइंडर, सिप्रीट एवं रोवर जैसे रोबोट को मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए प्रयोग करने के लिए भेजा गया है। इसके और भी कई सारे फायदे और नुकसान भी है, लेकिन आज की हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पसंद करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर सचमुच में पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।